उनकी जॉब भी चली गई है और वह मैं सोच रही हूं कि आप उनकी जॉब के लिए कुछ करें ना। बड़ा धचका लगा है उन्हें और भाभी भी नबील को लेकर घर छोड़ के चली गई हैं। अच्छा, खुशी हुई जान के कि तुम भी उस दिन का इंतजार कर रही हो। और वह आपको सुहेल भाई की जॉब के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि इतनी देर से जो भी मैं आपसे कह रही थी आपने कुछ नहीं सुना? वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया था, उसका जवाब दे रहा था। बोलो क्या बात है? सुहेल भाई की जॉब चली गई है और फौजिया भाभी भी नबील को लेकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई है। बात तो सुने। क्या हुआ? आप सो गए? नहीं, अभी तो मसरूफ है। किस चीज में? पता नहीं, किसी से शायद अहम बात कर रहे हैं, फोन के साथ ही लगे हुए। अरे मेरी भोली माँ, जरा चेक रखा करें। आपके हस्बैंड यंग है और बहुत हैंडसम है, ऐसा ना हो किसी खातून के साथ मैसेजिंग पे मसरूफ हो। तुम्हें मैं थप्पड़ लगाऊं? तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं है और तमीज से बात किया करो। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। जिस आदमी की इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसको क्या जरूरत है इधर उधर देखने की।